हेलो एवरीवन, दिस इज नजमुल हसन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इटा स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ कि वियतनामी कोई जो मछली होता है उसको ब्रीडिंग प्रोसीड्योर ए टू जेड दिखाने वाला हूँ। कितना परसेंटेज इंजेक्ट करना पड़ता है, मछली का जो प्रोसीड्योर होता है पूरा की पूरा, आप बिना स्किप कीजिए कि ये इस वीडियो की लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज इसके वीडियो के माध्यम से मिल जाए, ताकि आप घर बैठे बैठे आप मछली का ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मेरा फार्म पे, जिस फार्म से आपको दिखाऊंगा जो कोई मछली है उसको ब्रीडिंग कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जो टैंक है, टैंक के अंदर इस टाइप का हपा जो अभी लगा रहे हैं, ताकि अंडा जब निकल जाएगा मछली के पेट से तो अंडा पानी के साथ बाहर ना जाए, तो इसलिए इस नेट को ऐसे तरीके से पूरा सेटिंग करना पड़ता है टैंक के अंदर। नेट का जो थिकनेस है ये देख सकते हैं आप, पूरा एकदम घना है, ताकि अंडा ना निकल जाए, पूरा छोटा छोटा अंडा होता है वो ना निकल जाए, ऐसा टाइप का नेट आप लेना पड़ेगा, एकदम जीरो साइज वाला नेट। दोस्तों उसके बाद इसको लाना पड़ता है, इसको इस हपा की ऊपर चढ़ाना पड़ता है, ताकि इसके अंदर हम लोग डालेंगे मेल और फीमेल। मेल और फीमेल इंजेक्ट करने के बाद जब इस एक साथ छोड़ना पड़ता है, ताकि दोनों मछली एक साथ रह के ऑटो ब्रीड कर पाए। तो ऑटो ब्रीड करने के बाद क्या होता है, जो अंडा होता है अंडा निकल जाता है। अंडा निकल जाने के बाद इस खांचा के माध्यम में जो मेल और फीमेल मछली, जो कि ब्रूडर मछली हमारा, उसको इधर से हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो ब्रूडर मछली इसके अंदर रहेगा तो क्या होगा, जो उसका खुद का अंडा खुद खा जाएगा। तो इसलिए जब इसको हैचिंग हो जाएगा इंजेक्ट करने के बाद 8 hours to 10 hours के बाद इसको हम लोग हटा देंगे। तो इसके बाद जो होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये हमारा फार्म का डॉक्टर साहब है, जिसका अभी हाथ में है टेस्ट ट्यूब। वो टेस्ट ट्यूब से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको मिक्स्ड कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये राइट हैंड साइड में जो है ना, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ पेस्ट करना पड़ता है, ताकि मछली को इंजेक्ट करने के बाद मछली को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और इसको पूरा लिक्विड बना के इंजेक्ट करना पड़ता है, पानी की थोड़ा पानी लेना पड़ता है, पानी के साथ ऐसे टेस्ट ट्यूब, प्रेशर ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रेशर ट्यूब से इसको पूरा अच्छी तरीके से लिक्विड बनाना पड़ता है। जब ये लिक्विड बन जाता है उसके बाद इसको इंजेक्ट करना पड़ता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कितना परसेंट पर केजी के हिसाब से आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, उसको आप जानने के लिए मेरे को कमेंट्स कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको बता दूंगा। और ये देख सकते हैं अभी मिल चुका है, 90% पेस्ट हो चुका है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बूडर्स है। बूडर्स को पहले तालाब से लाकर टैंक में रखना पड़ता है एक दिन, क्योंकि उसको पेट के अंदर जितना भी खाना होता है उसको निकलने के लिए, क्योंकि वो खाना अब वो इंजेक्ट करने के बाद उस ब्रीडिंग हपा में जाके टॉयलेट करेगा तो क्या होगा, अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा, उसमें जो अंडा निकलेगा वो अंडा मोर्टालिटी भी हो सकता है। अभी इसको कलेक्ट करने के बाद मेल फीमेल अलग करेंगे, ताकि इंजेक्ट करने में हमारा आसान हो जाए, क्योंकि मेल का जो इंजेक्ट का डोज है और फीमेल का जो डोज है दोनों अलग है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये फीमेल मछली है। फीमेल मछली को थोड़ा प्रेशर देने से उसको पेट से अंडा निकलता है, जो अब अभी देख पा रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये मेल मछली है, जिसके पेट में थोड़ा प्रेशर देने से ऐसा व्हाइट कलर का
स्पर्म निकालता है। देख सकते हैं अभी इंजेक्शन चालू हो गया है और मेल फीमेल दोनों की इंजेक्ट करना पड़ता है। मेल को जितना इंजेक्शन आप देंगे, जितना डोज देंगे, उसका डबल देना पड़ता है फीमेल का। और मेल फीमेल का कितना इंजेक्शन देना पड़ता है पर केजी के हिसाब से, उसको जानने के लिए आप मेरे को इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। और मेल फीमेल 1:1 रेशियो में देना पड़ता है। और ऐसे इंजेक्ट करने के बाद आप 100 पीस मेल देंगे तो उसके साथ 100 पीस फीमेल भी देना पड़ेगा। इसको इंजेक्ट करने के बाद उस जो हापा के ऊपर जो थोड़ा मतलब गैप ज़्यादा है, जो वाला नेट हम लोग दिखाया था बॉक्स टाइप्स का, उसके अंदर इसको छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के बाद इसको शावर देना पड़ता है, जिसको आर्टिफिशियल रेन बारिश भी बोल सकते हैं। जिसको देने के बाद ये मछली ब्रीडिंग कर देता है, इसको ऑटो ब्रीड कहते हैं। इंजेक्शन अब हो चुका है, अभी इसको अंदर डालेंगे, जो ऊपर में खांचा है इसके अंदर डालेंगे। मेल और फीमेल दोनों को एक साथ ऐसे डालना पड़ता है। डालने के बाद आपको बोला था जो आर्टिफिशियल बारिश का जो सिस्टम होता है उसको देना पड़ता है, शावर देना पड़ता है। ऐसे शावर देंगे, देखिए शावर दे दिया ऐसे, वो मछली सोचेगा कि बारिश हो रहा है। ब्रीडिंग करने का जो सही टाइमिंग है वो इवनिंग नहीं तो आफ्टरनून में कीजिए, ताकि पूरा रात में उसको छोड़ दीजिए ऐसे, और सुबह में उसको हापा से, जो हापा के ऊपर जो नेट में अंदर बॉर्डर है उसको कलेक्ट कीजिए और इधर से हटा दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम रुकेगा तो क्या होगा, उसका खुद का अंडा खुद खा जाएगा। बेसिकली जो टाइमिंग लगता है एक मछली को इंजेक्ट करने के बाद उसको पूरा अंडा निकलने में, वो लगता है 8 to 10 hours। उसके बाद उधर से आपको बुडर कलेक्शन करना पड़ता है। अब देखिए इधर से बुडर हटा दिया हूँ और इधर से अंडा भी निकल चुका है मछली का। आपको अंडा मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पानी के अंदर कितना अंडा है। अंडा ऐसा, कोई मछली का अंडा ऐसा वाइट वाला होता है और अंडा चिपकता नहीं है, अंडा ऐसे पानी के ऊपर मूवमेंट करता है, घूमता है। और शावर से हम लोग पानी को भी साइक्लिक मतलब वैसे घुमा रहे, ताकि मछली को जो अंडा निकलना है वो अच्छा तरीके से हैच हो जाए। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। जब अंडा निकल चुका है, अभी अंडा निकलने के बाद 72 hours के बाद इस मछली को इस हापा से लाकर तालाब में डालना पड़ता है। तालाब में पूरा पानी प्रिपरेशन करना पड़ता है, पहले प्लांकटन रेडी करना पड़ता है, क्योंकि जो स्पॉन होता है स्पॉन खाना नहीं खाता है, प्लांकटन ज़्यादा खाता है, तो पॉन्ड प्रिपरेशन करना पड़ता है। पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में भी बता देंगे। उसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए ब्रीडिंग की, कोई मछली की ब्रीडिंग के बारे में, तो मेरे को कमेंट करके पूछिए।
और अलग कोई मछली को, जो मछली को आप ब्रीडिंग देखना चाहते हैं, वो भी मेरे को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, जो मेरे को इस मछली को ब्रीडिंग प्रोसीड्योर पूरा देखना है। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही था। कोई भी जानकारी इसके अलावा चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।